के समर्थन में विपक्ष का जंतर मंतर तक मार्च 14 पार्टियों के सांसद मौजूद। पेगासस पर विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा 9 अगस्त 11 बजे तक स्थगित। देश में अब तक वैक्सीन की 49 करोड़ से ज्यादा डोज लगी, पिछले 24 घंटे में 58 लाख लोगों का लगा टीका। आगरा में डग्गा मार वाहनों के आगे बेबस सरकारी तंत्र खाली जा रही है, बिना सवारियों के सरकारी बस। औरैया में बढ़ते जल स्तर से कई गांव प्रभावित, एमओएसपी ने नाव से किया है निरीक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, और मैं आपके साथ प्रियादेवी। शुरुआत करते हैं खबरों की। संभल के अमरोहा थाने से एक युवक द्वारा मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई गई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले युवक की बहन की मौत की खबर मिली थी। मौत की सूचना पर सभी परिवार वाले युवती के ससुराल पहुंचे और देखा कि युवती पूरे तरीके से जली हुई थी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसको लेकर हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन मुकदमा पंजीकृत होने के बाद गिरफ्तारी न होने पर युवक ने मुख्यमंत्री को एक शिकायती पत्र भेजकर ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग की है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुबारक जुड़ चुके हैं, तो मुबारक आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अमरोहा थाना क्षेत्र में युवक ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस पे? आपको बता दूं, जनपद संभल के थाना संभल थाना क्षेत्र का मामला है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसका कारण करना कोई भी यहाँ पे महिला विरोधी सुनवाई नहीं हुई है और काफी समय का बात किया है, जो महिला को जलाकर मार दिया गया है जी। मुबारक, क्या इस मामले में अभी तक जिस तरह से शिकायती पत्र लिखा गया है, उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जांच चल रही है अभी, और इसी के लिए मुख्यमंत्री के लिए पत्र लिखा है महिला ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक आपका साथ जुड़ने के लिए। तो खबर ये संभल से, जहां पर अमरोहा थाना क्षेत्र से एक युवक के द्वारा मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र लिखा गया और लगातार युवक न्याय की गुहार लगा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले युवक की बहन की मौत की खबर मिली थी और मौत की सूचना पर सभी परिवार वालों ने युवती के ससुराल पहुंचे और देखा कि युवती पूरी तरीके से जली हुई थी, जिसके मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं इसी को लेकर हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था, लेकिन मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर युवक ने मुख्यमंत्री को एक शिकायती पत्र भेजकर ससुराल वालों को के साथ गिरफ्तारी की मांग की है। सिद्धार्थनगर के ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी ने डुमरियागंज के विराट मैरिज हॉल में धारा 370 हटाने का वर्षगांठ मनाया है, जिसमें डुमरियागंज के विधायक राघेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। संस्था के अध्यक्ष राजेश चौरसिया ने मुख्य अतिथि का वहां पर जोरदार स्वागत किया है। तो एक खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी ने डुमरियागंज के विराट मैरिज हॉल में धारा 370 हटने की वर्षगांठ मनाई और इसमें डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। बता दें कि संस्था के अध्यक्ष राजेश चौरसिया ने मुख्य अतिथि का वहां पर जोरदार स्वागत किया है। तो एक खबर सिद्धार्थनगर से आपको बता रहे, जहां पर ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी ने डुमरियागंज के विराज मैरिज हॉल में धारा 370 हटने की वर्षगांठ को मनाई है और इसमें डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। बता दें कि संस्था के अध्यक्ष राजेश चौरसिया ने मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया। वहीं संभल के दिल्ली कैंट में हुए 9 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार को लेकर युवा कांग्रेस संभल जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला है। गुन्नौर तहसील परिसर चौक से गुन्नौर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला गया।
वहीं बाबा साहब की प्रतिमा पर मौन रखकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। तो एक खबर आपको संभल से बता रहे, जहां पर दिल्ली कैंट में हुए 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म को लेकर युवा कांग्रेस संभल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में युवा कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला है और गुन्नौर तहसील परिसर चौक से गुन्नौर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक ये कैंडल मार्च निकाला गया है। बता दें कि बाबा साहब की प्रतिमा पर मौन रखकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। वही रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश का मामला सामने आया। आपको बता दें कि आसम खां के घर और यूनिवर्सिटी पर नोटिस दिया गया था, जिसके बाद सेक्शन कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम सदर ने यूनिवर्सिटी के चांसलर आजम खां को नोटिस जारी किया है। वही नोटिस जारी कर 15 दिन का समय भी दिया गया है। तो आपको बता दें कि रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश का ये मामला सामने आया है, जहां पर आजम खां के घर और यूनिवर्सिटी पर नोटिस दिया गया है और इसी के बाद सेक्शन कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वही एसडीएम सदर ने यूनिवर्सिटी के चांसलर आजम खां को नोटिस जारी किया और नोटिस जारी कर 15 दिन का समय भी दिया गया है। रुक करते अगली खबर की ओर। मुरादाबाद जनपद में रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें संदिग्ध लोगों और वस्तुओं की चेकिंग की गई है। आगामी 15 अगस्त को लेकर यह अभियान शुरू किया गया है। इसी को लेकर जनपद के सभी प्लेटफॉर्म ऊपर और मुरादाबाद जनपद में आने वाली सभी ट्रेनों की चेकिंग की गई। रेलवे विभाग में पुलिस के द्वारा समय समय पर यह चेकिंग अभियान चलाया जाता है। दिल्ली की तरह प्लेटफॉर्म पर आज चेकिंग की गई है और आगामी 15 अगस्त को दृष्टिगत रखते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हाँ, निरंतर चल रहा है, वैसे भी काफी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और आगे निरंतर। वहीं बुलंदशहर में जीएसटी अधिकारी द्वारा मेडिसिन मार्केट के व्यापारियों से अभद्रता की गई है, जिसके विरोध में समस्त होलसेल और रिटेल मेडिसिन व्यापारी अंसारी रोड चौराहे पर धरने पर बैठ गए। मेडिसिन मार्केट के अध्यक्ष देवेश त्यागी ने बताया है कि जीएसटी अधिकारी पी के मीणा के द्वारा हमारे एक दवा व्यापारी को नोटिस दिया गया है, जिसके संबंध में 6 तारीख को बुलाकर बात करने को भी कहा गया, लेकिन 6 तारीख से पहले ही उक्त जीएसटी रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए बीसीए के अध्यक्ष देवेश त्यागी के नेतृत्व में पीके मीणा से बात करने पहुंचे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम के ताजनगरी आगरा के किसी भी सरकारी बस स्टैंड की बात की जाए तो वहां सरकारी बसों में सवारियां कम नजर आती हैं और डग्गा मार वाहनों में सवारियों की भरमार रहती है। वहीं ताजनगरी आगरा बाहर सरकारी बस स्टैंड की तस्वीरें इस बात की गवाह है कि सरकारी बसों की संख्या कम नहीं है, लेकिन डग्गा मार वाहनों जैसे प्राइवेट बसों, इको, ओमनी वैन का बस स्टैंड पर ही जमावड़ा लगा रहता है। वहीं बस स्टैंड पर डग्गा मार वाहन चालकों को किसी भी सरकारी अधिकारी और पुलिस का कोई भी डर नजर नहीं आता। ये बेखौफ तरीके से डग्गा मार वाहन चालक बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर आसानी से सवारियों को बैठा कर तेज रफ्तार में मौत के फर्राटे भरती हुई चली जाती है। ये आपके चैनल के माध्यम से और अन्य स्रोतों से मुझे प्राप्त हुआ है, सूचना मिली है कि इस पे विगत कुछ दिनों से खराब अंचन की प्रक्रिया चल रही है। इस समय शासन के आदेश द्वारा एक्सप्रेस हाईवे पे ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों के खिलाफ जो भी डग्गा मार वाहन है उनके खिलाफ विशेष अभियान चल रहा है। इस अभियान के समाप्त होते ही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस मार्ग पर आगरा वाह मार्ग पर हो रहे करावंचन के लिए विशेष कार्रवाई कराऊं और मैं एक या दो दिन में इस पे एक अभियान के रूप में मैं आदेश कर रहा हूं, जिससे काफी है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। तो अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार खबरें सामने आती रहती हैं कि भीषण सड़क हादसे होते हैं जिसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये जो डग्गा मार वाहन है, लेकिन क्या कुछ रोक क्यों नहीं लग पा रही है इस पे?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो तस्वीरें जो बयां कर रही हैं उस तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल जहां सरकारी बसों का बस स्टैंड है वहीं पर सरकारी बसों के बस स्टैंड के अंदर से भी डग्गा मार वाहन जो है वो सवारियों को एकत्रित करते हैं और भारी संख्या में उनको वहां से लेकर जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जो सरकारी बसें हैं और वो उसमें यात्री नहीं बैठ पाते हैं और जो मतलब घाटे में चल रही है। लेकिन इसी की बात को अगर देखा जाए तो एक तरफ तो सरकारी बसों का जो संचालन है वो घाटे में जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये एक बड़ा हादसे का सबब भी बनता है, जिस तरीके से इको वैन है या मारुति ओमनी वैन है और डग्गे मार जो वाहन अन्य जो चल रहे हैं वो लबालब सवारियों से भर लेते हैं और जब कभी कोई हादसा होता है तो उसमें मृतकों की संख्या अनगिनत होती है। यही बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं इसमें जो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है, जो इस तरीके का रवैया अपना रहे हैं जिससे शासन का जो राजस्व है उसका भी घाटा हो रहा है, दूसरी तरफ हादसों में भी बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल अमित, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये सड़क हादसों की खबरें हमें सुनाई पड़ती हैं उसके बाद कहीं ना कहीं परिवहन विभाग ये बताता है कि अब जो मॉनिटरिंग है उसका लेवल बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो डग्गा मार वाहन है वो बेखौफ होकर सड़कों पर दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से खबरें लगातार चलाई जाती हैं उसके बाद में केवल ये एक्चुअली करने के लिए बोल दिया जाता है कि इस पर हमारी जांच कमेटी बैठेगी, उस पर जांच की जाएगी और जो डग्गामार वाहन है उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें खानापूर्ति होती हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मतलब तस्वीरों में जो हमारे द्वारा बात जो की गई एक ड्राइवर से तो उसमें उसने साफ बताया कि जिस तरीके से हम यहाँ मतलब घंटे घंटे खड़े रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सवारियां हमारे पास नहीं आ पाती हैं और डग्गे मार वाहन हमारी सवारियों को लेकर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें अगर देखा जाए तो जो अधिकारी हैं और जो पुलिस वाले हैं जो उनका कहीं ना कहीं से संलिप्तता साफ दिखाई पड़ती है कि कहीं ना कहीं जो हादसे जो होते हैं डग्गे मार वाहनों की वजह से तो कहीं ना कहीं अधिकारी और पुलिस विभाग के जो लोग हैं उनकी संलिप्तता इसमें जाहिर है। अमित, जिस तरह से ओवरलोड सवारियां बैठा ली जाती हैं बसों में, तो क्या जिस तरह से कई जगहों पर सड़क पर चेकिंग भी होती है अगर चौराहों की बात की जाए, लेकिन क्या उसके बाद वहां पर किसी तरह से पुलिस रोकती है इन बसों को? बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा इसमें, जिस तरीके से पुलिस की जो बैरिकेडिंग होती है जब चेकिंग शुरू की जाती है और उसी चेकिंग बैरिकेडिंग के आगे से ही डग्गे मार वाहन सवारियों से लबालब भर के वाहनों को लेकर निकल जाते हैं, लेकिन कोई भी पुलिस कर्मी उनको रोकने की जहमत नहीं उठाता है। जब कभी कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब उसके बाद में जरूर ये कार्रवाइयां की जाती हैं, डग्गे वाहनों को सीज किया जाता है, लेकिन उसके दो चार रोज के बाद में फिर से वही प्रक्रियाएं फिर से द्वारा शुरू हो जाती है। बिल्कुल अमित, क्योंकि लगातार जिस तरह से खबरें सामने आती रहती है उसमें कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार ठहरा जाता है या तो डग्गा मार बसें होती है और जो मुख्य कारण है उनका वो जो ओवरलोडेड सवारियां बैठा ली जाती है यही मुख्य वजह होती है, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए परिवहन विभाग की तो वो भी कहीं ना कहीं आश्वासन देते हैं कि अब जो मॉनिटरिंग होगी उसको और तेज कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक दो दिन तक ये कार्य होता है लेकिन उसके बाद फिर से जो काम होते हैं वो सुचारू रूप से चलने लगते हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से हमने जब ये खबर चलाई और संज्ञान में लेके आए तो आरटीओ जो आगरा आरटीओ है उनको बिल्कुल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्होंने साफ तौर से कैमरे में बताया कि आपके माध्यम से हमें जानकारी हुई है और हम इस तरफ अपनी जो टीम बनाएंगे और जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे और जो डग्गे मार वाहन चल रहे हैं उनके खिलाफ जो भी अभियान होगा उसको भी चलाया जाएगा और जो अब डग्गे मार वाहन चल रहे हैं उनको भी जो प्रतिबंध किया जाएगा सीज किया जाएगा, ऐसी कार्रवाई आगे उसके द्वारा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो डग्गा मार बसें हैं वो बेखौफ होकर सड़कों पर चलती नजर आती है और उसके खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। आपको बता दें कि बस स्टैंड पर इन डग्गा मार वाहन चालकों को किसी भी सरकारी अधिकारी और पुलिस का कोई भी डर अब नहीं है। ये बेखौफ तरीके से डग्गा मार वाहन चालक बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर आसानी से सवारियों को बैठा लेते हैं और तेज रफ्तार में मौत के फर्राटे भरते नजर आते हैं। वहीं औरैया जिले में यमुना नदी के निचले स्तर पर बढ़ रहे लगातार जल स्तर में प्रभावित हुए कई ग्रामीण क्षेत्रों का डीएम और एसपी ने नाव पर बैठकर निरीक्षण किया है। इस दौरान प्रभावित गांव के सभी ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आवश्यकता के अनुसार राशन सामग्री भी उपलब्ध करवाई है। आपको बता दें कि मई आस्था सिकोरी बीजलपुर समेत दर्जनों ग्रामीण इलाकों का डीएमएसपी ने जायजा लिया है। वहीं हरदोई के कोतवाली शहर के विभूति नगर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। छोटे भाई ने भाई और भांजे की हत्या कर दी। आपको बता दें कि हत्या करने वाले की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा भी लिया है।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।